सुरेश गोपी को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि वो बनना नहीं चाहते, बनना चाहते हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया, ट्वीट किया और उनको लेकर अभी अभी ये हमारे पास जानकारी आ रही है, प्लीज जरा उसको ब्रेक करें। सुरेश गोपी, राव इंद्रजीत, पर्यटन कला संस्कृति राज्य मंत्री सुरेश गोपी को ये देखिए। चिराग पासवान खेल और युवा मामले, इस वक्त की बड़ी खबर, चिराग पासवान खेल और युवा मामले, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। चिराग पासवान खेल और युवा मामले के मंत्री, एक यूथ है, युवा चेहरा है देश का, बड़ा प्रोग्रेसिव चेहरा है और वहां पर खेल और युवा मंत्रालय उनको दिया गया है। ये देखिए जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, पहले भी अगर आपको याद हो पहले भी वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मनसुख मांडविया के पास था स्वास्थ्य मंत्रालय अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये देखिए सीधे चलूंगा मैं, मेरे साथ अमोद जी मौजूद है। अमोद जी वेरी क्विक टेक, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रिपीट हो रहे हैं अपने उसी रक्षा मंत्रालय में। ये देखिए यानी कि वो जो देश की डिफेंस फॉरेन अफेयर्स इकोनॉमी है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। अमोद जी वेरी क्विकली राजनाथ सिंह जी के ऊपर कमेंट आपका, वेरी क्विकली मैं कमेंट लेना चाहूंगा धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर, मैं कमेंट लेना चाहूंगा आपके आपके आपसे किरण रिजिजू पर, वेरी क्विकली ना भेजो। देखिए साफ तौर पर मैं अगर कहूं तो बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं दिख रहे हैं। राजनाथ सिंह चूंकि डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे बेहतर काम किए हैं, कोई भी उस डिफेंस मिनिस्ट्री में तमाम डेवलपमेंटल वर्क हुए हैं, तमाम नए आउटलेट्स खुले हैं और कोई करप्शन जो वहाँ बदनाम था पहले एक भी नहीं हुआ है मोदी सरकार में, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो पहले से शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं उनको रिपीट किया जा रहा है, ये एक बहुत अहम खबर है और चूंकि उनको अनुभव है इस क्षेत्र में, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और बेहतर काम किया है उन्होंने, तो ये भी एक बहुत अहम जिम्मेवारी है। ये देखिए नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, इस वक्त की बड़ी खबर। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज। राममोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री, मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ आनंद मौजूद है। आनंद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय कई नाम अभी बाकी है, मैं ज्योतिरादित्य जानना चाहता हूं उनको क्या मिला है, मैं बहुत सारे नामों को लेकर बड़ा इंटरेस्टेड हूं कि उनको क्या मिल रहा है, लेकिन जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, ये आप पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, मनसुख मांडविया को दिया गया था वो मंत्रालय, मुझे लग रहा है कि एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीजों का मिश्रण यहां पर दिखाई दे रहा है। आनंद ये सवाल मेरा आपसे था। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपने बात की नागरिक उड्डयन की, तो आपको याद होगा गजपति राजू जो पहले टीडीपी से आते थे वो ये एलाइज के पास ये पोर्टफोलियो था, फिलहाल अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था, तो एलाइज को भी अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है इस लिस्ट जो पोर्टफोलियो दिए गए। हाँ लेकिन ये जरूर है जो बड़े मंत्रालय हैं, टॉप के मिनिस्टर्स हैं, मंत्रालय है, मिनिस्ट्रीज है, उसमें बीजेपी ने अपने पास रखा है, जिसका तर्क हम पहले भी दे रहे थे कि सीसीएस में कोई बदलाव नहीं। आनंद, जहाजरानी मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल, इस वक्त की बड़ी खबर, आप सभी को बीच बीच में रोकने के लिए माफी। जहाजरानी मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए अब हमारे जितने भी दर्शक हैं मैं आप सभी को बता दूं कौन कौन से बड़े नेता हैं जो अपना मंत्रालय रिपीट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सत्ता और सत्ता में कौन सत्ता में जिम्मेदारी संभाल रहा है उसको लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट। नंबर वन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अपना जो उनका उनकी मिनिस्ट्री है उसको रिपीट कर रहे हैं। दूसरा सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी जी तीसरी बार उसको रिपीट कर रहे हैं। आप रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव वो रिपीट कर रहे हैं और उसके साथ उनका आईबी मिनिस्ट्री भी उनके पास गई है। फिर उसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन रिपीट कर रही है। फिर जो एक और रिपीट कर रहे हैं वो है हमारे सामने जो अभी आपको मैंने बताया विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये अभी तक के रिपीट करने वाले जो नाम सामने आए हैं, जो नए नाम सामने आए हैं पीयूष गोयल, यस पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री रिपीट कर रहे हैं। रवनीत बिट्टू अल्पसंख्यक राज्य मंत्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रवनीत बिट्टू अल्पसंख्यक राज्य मंत्री, ये देखिए। लेकिन जो इंटरेस्टिंग है युवा और खेल मंत्रालय वो गया है हमारे साथ चिराग पासवान जो उनको गया है। यहां पर जो एमएसएमई की बात की जाए तो वो उसमें शोभा करांदलजे जो है वो राज्य संभालेंगी। और सीधे चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है सर्बानंद सोनोवाल जहाजरानी मंत्रालय जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर है कृषि मंत्री के तौर पर
कृषि मंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने अभी अभी टेलीविजन सेट को ऑन किया है तो यह आपके सामने। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, हेल्थ मिनिस्ट्री जेपी नड्डा जी के पास गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये एक ऐसा लग रहा है कि ये कई सारी चीजों को इंप्रोवाइज किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त अमोद जी हैं, मेरे साथ इस वक्त आनंद है। अमोद जी, वेरी क्विकली, यहां पर बहुत शार्प इंप्रोवाइजेशन दिया जा देखा जा रहा है। मैं किसी भी मंत्रालय को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, किसी भी मंत्री को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन जिन्होंने परफॉर्म किया, जो की भारत का जो एक विजन है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें जो की मंत्रालय के लोग हैं उनको इधर उधर नहीं किया गया है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या यह समझा जाए। और दूसरा, जहां पर इंप्रोवाइजेशन की जरूरत है, जहां पर जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनको लाने की जरूरत है, उसके साथ एक पैडिंग दी गई है अपने एक्सपीरियंस नेताओं की एलाइज के साथ, क्या यह समझा जाए। निश्चित तौर पे देखिए, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो बेहतर परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री रही है उसको यथावत छोड़ दिया गया है और उनको फिर से नए सिरे से काम करने का मौका दिया गया है। लेकिन एक और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, आप निशान देख सकते हैं कि कल जो कैबिनेट नई बनी है इसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉपआउट नहीं है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम से कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं और उनके कामों से संतुष्ट हैं। लेकिन बदली परिस्थितियों में चूंकि एनडीए को भी कई जगह एकोमोडेट करना पड़ रहा है और कुछ नए मंत्री जुड़े हैं उनकी टीम में, लिहाजा मंत्रालयों को चेंज किया जरूर जा रहा है। जहाँ तक मैं बात करूँ आपको, जैसे पीयूष गोयल के पास कई मंत्रालय थे और ऐसा कहा जाता था कि उनके पास बहुत मंत्रालयों का बोझ है, लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर वो बेहतर थे, ये बात जगजाहिर है और सब लोग इसको अप्रिसिएट भी करते थे। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे अपने काल में 2014-19 के समय में, उनको फिर से वहाँ लाया गया है। इसी तरह से आप देखें कि अश्विनी वैष्णव रेल में रिफॉर्म ला रहे थे, उनको वहाँ पर रखा गया है। बाकी की सीसीएस के चारों मंत्री